नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G मॉडल के बारे में। दोस्तों, एक इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है, काफ़ी बड़ा अपडेट है। बट दोस्तों, उस अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आ चुका है, ये वाला अपडेट जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ आज की वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ इस अपडेट से रिलेटेड। क्योंकि काफ़ी लोग क्या है, बहुत गलती कर जाते हैं और बाद में फिर उन्हें पछतावा होता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले अपडेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपडेट है। तो दोस्तों, इसका साइज़ की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि इसके साइज़ है दोस्तों 897 MB का, यानी दोस्तों ये 900 MB समथिंग का अपडेट है। अब इस अपडेट में दोस्तों हमें ऐसा कैमरा मिलता है जो इसका साइज़ इतना बड़ा दे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सिक्योरिटी पेज लेवल के अपडेट आते हैं वो 100-150 MB तक के होते हैं, बट ये 900 MB का है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक सितंबर का, जो सितंबर चल रहा है इसी महीने का, इसमें हमें सिक्योरिटी पेज लेवल दे दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें हमें ज़रूरी बात क्या, जो मैं आपसे बात करने वाला था कि लोग गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके फ़ोन में इस अपडेट, जब आप इस अपडेट को करोगे तो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग पे, कैलकुलेटर, जो एप्लीकेशन इसमें शो हो रही हैं दोस्तों, इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होकर मिलते हैं। बट लोग क्या करते हैं दोस्तों, फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं कि हमें क्या चेंजेस होकर मिले हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आप अगर अपने फ़ोन को अपडेट कर रहे हो तो आपको जो चेंजेस होकर मिलने वाले हैं अपडेट के बाद, जो अपडेट बताए गए हैं, वो दोस्तों आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करोगे। क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है कि हमारे फ़ोन में जो भी सेटिंग नहीं आती हैं वो वर्क करने लगती हैं, और अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद स्विच ऑफ करके ऑन नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे ही चेक करोगे, तो आपके फ़ोन में काफ़ी सेटिंग, तो काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं दोस्तों हमें नहीं मिलते हैं, वो वर्क नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन को एक बार अपडेट करने के बाद उसे स्विच ऑफ करना है, उसके बाद दोस्तों उसे फिर से ऑन करना है, तब चेक करना है कि आपके फ़ोन में जो हमें अपडेट बताए गए हैं, जो चेंजेस दिखाए गए हैं, क्या वो हमें मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको अपडेट कैसे करना है, क्या करना है। और दोस्तों इस अपडेट में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस होकर मिले हैं, सैमसंग जो इनबिल्ट एप्लीकेशन होती है उनमें, और सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों हमें 1 सितंबर का दे दिया गया है। और बाकी दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी इस अपडेट से पहले जो हीटिंग वगैरह इशू वगैरह आ रहे थे वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है तो फटाफट से अपडेट कर लो और अपने फ़ोन को और भी स्मूथ बना लो। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि किन किन लोगों ने इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है और उन्हें क्या क्या चेंजेस होकर मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।